हरियाणा में विपक्ष लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती आई है। यही कारण है कि बजट के दौरान रोजगार को लेकर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए 1,42,343 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान सीएम ने बतौर वित्त मंत्री रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं और रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि प्रदेश के हर नागरिक को रोजगार मिल सके। सरकार ने 2 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। रोजगार को लेकर सरकार ने क्या बड़ी बातें कही, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। वैशाखी पर नया रोजगार पोर्टल होगा लॉन्च। निजी क्षेत्रों में भी रोजगार देने पर भी जोर। रोजगार से जुड़ा खोला जाएगा कॉल सेंटर। दो साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं। हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य सामग्री को पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिजली हेतु वीटा और हेफेड की तर्ज पर राज्य भर में चिन्हित स्थानों पर 2000 आधुनिक बिक्री केंद्र स्थापित करेंगे। इस काम को और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक अलग संस्था खड़ी की जाएगी, ताकि लोगों को रोजगार में बढ़ावा मिले। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो घोषणाएं की है उसका लाभ युवाओं को कब तक मिल पाता है, युवाओं को रोजगार का लाभ कब तक मिलेगा, ये भी देखना होगा।